हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बहुत सीरियस टॉपिक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, तो उस टॉपिक पर आएंगे। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। एक पिछली मैंने एक वीडियो डाली है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। 4 बेस्ट स्टॉक है जो आपको फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। ओके, एज वेल एज अगर बात करें आपके डीमेट अकाउंट की, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो सेबी रजिस्टर्ड नंबर 1 ब्रोकिंग के साथ जाइए, एंजल ब्रोकिंग जिसका नाम है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, 0 डिलीवरी चार्जेस है, बहुत अच्छा एप्लीकेशंस है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो है मार्केट क्रैश रिलेटेड है। तो देखिए, मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, मतलब लोग बिना देखे इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स के भी पैसे आ रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के भी पैसे आ रहे हैं तो मार्केट भी भागे जा रहा है। तो इसमें ये क्या हो रहा है, इसमें देखिए जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, जिन्हें मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है, जो जो पिछले 30 40 साल से मार्केट में है, वो तो सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो उनके शेयर ले रखे हैं बहुत नीचे से ले रखे हैं, बहुत नीचे लेवल से। मतलब किसी ने बजाज फाइनेंस ले रखा है, तो किसी ने 200 रुपये से ले रखा है, किसी ने 100 रुपये से ले रखा है। बट हुआ क्या है कि अभी बजाज फाइनेंस 5 5200 रुपये 5200 पे चल रहा है, तो किसी ने 5000 पे एंट्री करी है, किसी ने 4500 पे एंट्री करी है। तो क्या होगा कि अगर कभी मार्केट फ्यूचर में क्रैश हुआ तो वो शेयर फिर गिरेंगे, और गिरेंगे तो दे विल मिस अ चांस टू गेट दोज ग्रैब दोज शेयर्स इन अ लो प्राइस। तो ऐसी ही हम बातें करने वाले हैं। तो देखिए, अच्छे अच्छे जो इन्वेस्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो अपने पास कैश इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। तो ऐसी 4 5 क्रैश हुए हैं, जो कि US के क्रैश बता रहा हूँ। देखिए, 1929 में एक क्रैश हुआ था, उसका 87 में हुआ था। इंडिया की बात करें तो 1991 में भी आपको पता है कि हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, तब क्रैश हुआ था। 1999 और 2000 में भी एक क्रैश हुआ था, और फिर एक क्रैश हुआ था 2008 में, जो कि वर्ल्ड वाइड ही रिसेशन भी आ गया था। आपको भी पता है, इंडिया पे भी इफेक्ट पड़ा था। तो हुआ क्या है, तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। तो इसका पीछे रीज़न देखिए, सबसे पहले है मार्केट का पी रेशो। ये 18 दिसंबर है, 18 दिसंबर को अभी मार्केट का पी रेशो क्या चल रहा है, ऑल टाइम हाई, मतलब 30 आज तक 37.84। अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में इतने हाई पी पे कभी भी स्टॉक मार्केट गया नहीं है। तो होगा क्या कि ये जो शेयर्स हैं बहुत ऊंचे भाव पे आपको मिल रहे हैं, आपको अच्छे शेयर तो देखिए मिल ही रहे हैं, एज वेल एज जो छोटे और बेकार और घटिया शेयर है ना, जिन्हें भंगार स्टॉक कहते हैं, वो भी आपको भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनका जो वैल्यूएशन है ना, जो इंट्रेंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं, जो एक फेयर प्राइस होता है, उससे बहुत एबव मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। 10 रुपये का स्टॉक आपको 100 रुपये में मिल रहा है, और नए नए इन्वेस्टर देख रहे हैं कि मार्केट भागे जा रही है, भागे जा रही है, तो वो उसमें घुस रहे हैं, और वो शेयर 100 रुपये में, 80 रुपये पे, 90 रुपये में उन्हें खरीद रहे हैं, और ऑपरेटर उन्हें फंसाए जा रहे हैं। एक 17 रुपये का शेयर 300 रुपये पे ले जाते हैं, फिर 300 से वो लोअर सर्किट लगा लगा के उनकी सारी, मतलब आपकी पूरी खून पसीने की कमाई चली जाती है। तो क्या बताना चाहता हूँ, देखिए देखिए, क्रैश आया था अभी मार्केट में। तो देखिए, मार्केट को ऊपर तो जाना ही है, डेफिनेटली जाना है, बट इतनी जल्दी जाएगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कितने, मतलब आपके पैसों को डबल डबल कर दिया है, 70 80%। जहाँ मार्केट 40 50% गिरा था, 70% बढ़ भी चुका है, अच्छी बात है। लोगों ने अपने पैसे डबल भी किए, वो भी अच्छी बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मार्केट गिरेगा तो बढ़ेगा भी। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट कभी भी आपको नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा, और स्पेशली इन इंडिया, जहाँ पर एक डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पर लोगों ने पैसा, जहाँ पर बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, अपने प्लांट्स लगा रही है, और भारत को लेके बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक्स है। तो इसलिए भारत के में तो देखिए ये ऊपर की तरफ ही जाना है, बट इतनी जल्दी जाएगा ये सबको किसी को अनुमान नहीं है, और कभी भी ये मार्केट क्रैश हो सकता है। इसी तरीके से सेंसेक्स को भी देखिए, देखिए गिरा ऊपर भागा, बट आप देख सकते हैं सेंसेक्स हमेशा ऊपर ही गया है। तो मेरा बताने का मकसद क्या है, देखिए मेरा बताने का मकसद ये है कि आपका एक शेयर जहाँ जो आप यहाँ पर खरीद सकते थे, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर खरीदे।
अच्छे शेयर्स में देखिए, आप अच्छे शेयर में बनते हैं, किसी भी प्राइस पर खरीद लेते हैं, नीचे गिरावट होती है, ओके उन्हें बढ़ना ही है, जैसे आप पिछली देख चुके हैं, रिलायंस देख चुके हैं, एज वेल एच डी एफ सी देख चुके हैं, एच यू एल देख चुके हैं, और भी इन्फोसिस देख चुके हैं, टी सी एस देख चुके हैं, निफ्टी फिफ्टी के मोस्टली शेयर्स आप देख चुके हैं कि गिरे हैं, अच्छे स्टॉक है बट बड़े भी है, तो आप उन शेयरों में पहली बात बने रहिए, अच्छे शेयरों में बने रहिए, भंगार स्टॉक, मिड कैप, स्मॉल कैप के जो छोटे छोटे शेयर है, क्योंकि मार्केट में 5,000 और 8,000 शेयर लिस्टेड है, उनमें से केवल आपको 500 और 800 शेयर ही ऐसे मिलेंगे जिनमें जान है, जो अच्छे शेयर है, जो अपने आप को बढ़ना जानते हैं। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में अच्छे शेयर में बने रहने का टाइम आ गया है। अगर आपका स्मॉल कैप, मिड कैप के भंगार और बेकार स्टॉक्स है, तो आप अपने उसमें प्रॉफिट बुक करिए, और प्रॉफिट बुक करके अच्छे शेयर में लगाइए, या आप अपने कैश को होल्ड करिए, क्योंकि जो शेयर आप यहाँ पर खरीद सकते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे, ओके, क्योंकि उसे इधर से उधर जाने के लिए देखिए टाइम तो लगेगा ही, 2 और 3 साल का टाइम लगेगा, तो आप अपने 2 और 3 साल क्यों ख़राब करना चाहते हैं। इसलिए कभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़े बड़े लोग कि 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, ओके, और अभी भी देख, जैसे कि एवरी ईयर होता है कि क्रिसमस पे लोग अपना फंड निकालते हैं, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर, शायद अगले हफ्ते हमें फंड निकालता हुआ नज़र आए, तो शायद मार्केट और गिर सकती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ओके, अदरवाइज आप फंस ना जाए, बस इसका ये एक मकसद था। अगर आपका छोटे और बेकार शेयर है, और जो स्मॉल कैप के, मिड कैप के स्टॉक्स है, जो उनमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया है, तो आप प्रॉफिट बुक करिए, पैसे को इकट्ठा करिए, क्योंकि फ्यूचर में ये पैसा देखिए, 1 साल, 1 साल बाद अगर आप पैसा लगाएंगे, 1 साल के लिए आप अपने पैसे को होल्ड कर लेंगे, तो आप एक अच्छी वैल्यू पे खरीद पाएंगे, और उसके बाद जब शेयर भागेगा ना, भागेगा, तो आपको आज जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं उसी पर्टिकुलर शेयर में, और आप 2 साल बाद जब मार्केट गिरेगी, तो आप उसमें देखिए एवरेज कर सकते हैं, बट उसका प्राइस तो ऑब्वियसली बात है नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट का रेशो भी कम हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, नीचे मार्केट आता है तब खरीदना होता है, ना कि ऊपर चलते हुए, बहुत सारे शेयर हैं जो ऊपर भागे जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, उन शेयरों में इन्वेस्ट बिल्कुल मत करिए, अच्छे अच्छे शेयर्स को ही अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, अदरवाइज जब क्रैश आएगा तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा, लोअर सर्किट लोअर सर्किट लगेगा, और आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, और आप इस डर से लॉस में ही निकाल के बैठ जाएंगे। इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करिए, एज वेल एज अच्छे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, ओके, बेफालतू की बातों में अभी मत आइए, मार्केट का पी 37.8438 कह सकते हैं, इतना चल रहा है, आज तक नहीं हुआ है, और ऐसे शेयर में नज़र बनाइए जो कि आप किसी भी स्थिति में अगर गिरे भी तो थोड़ा बहुत ही गिरे, जैसे एच यू एल है, पेंडामिक आया जहाँ पर शेयर 80-80, 90-90 और 70-70-60% गिरे थे, ये शेयर केवल 10% और 20% गिरा था, और उस गिरने के बाद भी इसने क्या रिटर्न दिए थे वो आप देख सकते हैं। तो इसलिए अच्छे शेयर की तरफ मेरा कहने का मतलब है, बेहतरीन शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखिए, और थोड़ा मार्केट में डर के रहिए, एकदम रॉबिन हुड मत बनिए, भंगार स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा मत बनाइए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, मेरा बस बताने का मतलब यही था कि बड़े बड़े क्रैश आए हैं, बड़े बड़े लोग अपना पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप भी करिए, ताकि आपको फ्यूचर में अच्छे वैल्यू पे पैसा लगाने का मौका मिले, और आप फिर उसके बाद जो आप पैसा कमाएंगे तो आप बेहतरीन पैसा कमाएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, और इस वीडियो को लाइक कमेंट एज वेल एज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।